हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये नया साल नई शुरुआत का महीना है और जब आप नया साल का सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है इस साल का संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन, और उनमें से एक होता है खरीदारी करते समय पैसे बचाना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खरीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते लेकिन हम इसके लिए पैसे जरूर बचा सकते हैं। मैं काफी समय से अपनी पसंदीदा कैश करो ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैश करो दरअसल सर रतन टाटा द्वारा फंडेड भारत का सबसे बड़ा कैश करो ऐप है, क्योंकि ये सभी कूपन कोड के ऊपर 30% तक का आकर्षित कैशबैक प्रदान करता है और अमेजोन, आजियो, मिंत्रा, बिग बाजार इत्यादि सहित 1500 से भी अधिक पर छूट भी देता है। इससे अब आपको खरीदारी करने के लिए 10 ऐप्स की आवश्यकता नहीं है। कैश करो के पास ये सब आवश्यक किराने का सामान है आपके खरीदारी के लिए। कैश करो में फ्लैश सेल होते हैं और 12 बजे क्रेजी ऑफर्स भी होते हैं। कैश करो कैशबैक एक रियल कैश है और इसे बैंक खाते में भी ट्रांसफर किया जा सकता है या अमेजोन वॉचर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। कैश करो का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और कैश करो डाउनलोड करें। यहाँ आप सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टेशन या एप स्टोर से। और हाँ, कोड क्लाइमेक्स25 का उपयोग जरूर करें और 25 रुपए का बोनस तुरंत प्राप्त करें। आखिर किसे फ्री 25 रुपए पसंद नहीं आएंगे। अब इसके बाद बस अपनी पसंदीदा वेबसाइट सर्च या सेलेक्ट करें और फिर ऑरेंज बटन पर टैप करें। कैशबैक फिर आपको विशेष वेबसाइट पर ले जाएगा, जिसके बाद अब सामान्य रूप से खरीदारी करें, प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड करें और फिर सीधे पेमेंट। क्या ये इतना सरल नहीं है? आप बस अपने कैश करो अकाउंट में अपनी अर्निंग्स देखें, जो पूरी राशि आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो या इसे अमेजोन वाउचर में भी बदल सकते हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत कुछ प्रीस्ट से होती है जिनके माथे पर क्रॉस बना होता है, जो सभी सोलामिरा नाम के वैम्पायर के छत्ते में आए होते हैं, जहां उन्हें सूचना मिली होती है कि इस छत्ते पे वैम्पायर की रानी रह रही है। पर जैसे ही वो छत्ते के नजदीक पहुंचते हैं, दुर्भाग्य से वहां बिछाए जाल में फंस जाते हैं और फिर अजीब तरह के भयानक क्रीचर जैसे वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं और फिर एक ब्लैक हैट नाम की प्रीस्ट को अपने छत्ते में ले जाते हैं। बाकी भी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो इसमें असफल रहते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर एक एनिमेटेड स्टोरी पर मुड़ जाती है, जहां बताया जाता है कि कई सौ सालों से इंसान और वैम्पायर एक साथ रहते थे पर कभी उनमें दोस्ती नहीं हुई, हमेशा उनके बीच युद्ध होता रहता है। वैम्पायर दरअसल इंसानों से कई गुना शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने इंसानों को हरा दिया और जो बचे उन सभी ने चर्च में पना ले ली और चर्च के चारों ओर दीवार बना दी गई ताकि वहाँ वैम्पायर्स ना आ सके, और चर्च में प्रीस्ट को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो वैम्पायर से लड़ सके। इसलिए कई सारे प्रीस्ट ने कड़ी मशक्कत करके खुद को योद्धा बनाया, जिसके बाद वो उन वैम्पायर से लड़कर उन्हें हराने में भी सफल रहे और उन वैम्पायर्स को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। पर प्रीस्ट की इतनी ताकत देखकर गुरुओं ने प्रीस्ट को चर्च से निकाल दिया, इसलिए प्रीस्ट जगह जगह भटकने लगे और कुछ ने तो छोटे काम करने भी शुरू कर दिए। अब हम एक कपल ओवेन और शैनन को देखते हैं, जो चर्च के आसपास बने शहर जो दीवारों से सुरक्षित है उनसे दूर पैसों की कमी के कारण एक छोटे गांव में रहते हैं, जिनकी एक बेटी लूसी भी है जिसे ये गांव पसंद नहीं होता, इसलिए वो कई बार शहर घूमने निकल जाती है और अभी भी वो शहर से ही आई होती है, जिस पर ओवेन उसे चिल्लाता है कि मैंने मना किया था शहर जाने से, फिर भी तुम शहर क्यों गई? पर लूसी जवाब देती कि मैं हमेशा ऐसी जगह नहीं रह सकती। और तभी अचानक उनका घर हिलने लगता है और जब ओवेन खिड़की से देखता है तो वहाँ कई सारे वैम्पायर्स होते हैं जो उन्हीं के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख सभी एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत वो दोनों लूसी को घर के तहखाने में डालकर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आवाज मत निकालना। और तभी वैम्पायर शैनन पर हमला करके उसे मार देते हैं और ओवेन को भी घायल करके तहखाने में आ जाते हैं, पर वो
वैम्पायर देख नहीं सकते थे, लेकिन लूसी उनकी शक्ल देखकर डर जाती है, इसलिए वो जोर से चिल्ला पड़ती है, जिससे वो वैम्पायर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में हम एक प्रीस को देखते हैं, जिसके घर में हिक्स नाम का आदमी घुस जाता है। इसलिए प्रीस उसे पकड़कर यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वैम्पायर्स लूसी को अपने साथ ले गए और उन्होंने ओवन को घायल करके शैनन को मार दिया। दरअसल ओवन प्रीस का भाई है और लूसी हिक्स से ही मिलने शहर आया करती थी, जो सुनकर प्रीस बहुत दुखी हो जाता है। पर वो शहर से दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि सारे प्रीस को कसम दी जाती है कि वो शहर से दूर नहीं जा सकते। पर इस पर हिक्स कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बताने आया था, यदि तुम लूसी को नहीं बचाओगे तो मैं अकेले ही उसे बचाने जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रीस अपने गुरु के पास आकर उनसे अनुमति लेता है कि मैं शहर से बाहर जाकर लूसी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे वैम्पायर्स उठाकर ले गए। जिस पर गुरु कहते हैं कि हमने सारे वैम्पायर को बंदी बनाया है, वो जरूर शहर के बाहर रहने वाले गुंडे बदमाश होंगे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। जिस पर निराश होकर प्रीस एक रेस्टोरेंट में आकर अपने दोस्त जो एक गुरु भी है उनसे कहता है कि यदि मुझे कसम भी क्यों ना तोड़नी पड़ी, मैं लूसी को बचाने जरूर जाऊंगा। और तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो प्रीस को पकड़ने आए होते हैं, इसलिए प्रीस अपना लॉकेट तोड़कर उन सभी सोल्जर्स को मारते हुए अपनी कूल सी बाइक पर सवार होकर लूसी को बचाने निकल जाता है। अब प्रीस सबसे पहले ओवन के घर आता है और तभी वहाँ हिक्स भी आ जाता है, जो प्रीस को देखकर खुश हो जाता है और हिक्स उसे ओवन के पास लेकर आता है, जहाँ वो प्रीस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लूसी को बचाकर उन सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देना, और इतना कहते ही उसका दम टूट जाता है। दूसरी तरफ गुरु चार प्रीस को भेजते हैं ताकि वो प्रीस को पकड़कर ला सके। अब अगले दिन प्रीस को ओवन के घर के बाहर पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखते ही वो हिक्स से कहता है कि उन वैम्पायर्स के साथ कोई इंसान भी था और ये निशान दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। जिस पर हिक्स कहता है कि वहाँ एक पुराना किला है, इसलिए वो दोनों भी अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर किले के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर प्रीस उससे कहता है कि यहाँ वैम्पायर के साथ इंसान भी रहते हैं, जिन्हें वैम्पायर ने गुलाम बनाकर रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनके काम आ सके। और तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो मुर्गियां काट रहा होता है, जिससे एक सवाल करता है कि क्या तुमने दो दिन पहले किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा। जिस सवाल पर वो मना कर देता है, इसलिए प्रीस्ट और हिक्स दोनों किले के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी पिंजरे में बंद दिखाई देता है। इसलिए प्रीस्ट उससे लूसी के बारे में पूछता है, पर वो भी उसे कुछ नहीं बताता। पर वहीं हिक्स के पास कुछ आदमी आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिनमें मुर्गी काटने वाला भी होता है, पर प्रीस्ट आकर उसे बचाता है और फिर वो सभी को ढेर करके मुर्गी काटने वाले से लूसी के बारे में पूछता है। लेकिन तभी देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और अब कई सारे वैम्पायर्स वहाँ आ जाते हैं, जिस पर प्रीस अपनी किताब से कुछ ब्लेड निकाल कर उन वैम्पायर्स की तरफ फेंकता है और फिर वो बहादुरी से उनका सामना करके सभी को मार गिराता है। जिसके बाद वो फिर से उस आदमी से लूसी के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि सभी उसे पश्चिम की तरफ ले गए। पर इससे आगे वो कुछ उगलता, एक वैम्पायर आकर उसकी जान ले लेता है, लेकिन हिक्स उसे भी शूट करके ढेर कर देता है। जिसके बाद वो दोनों पश्चिम का नक्शा देखते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वैम्पायर का छत्ता दिखाई देता है, इसलिए अब वो दोनों उसी छत्ते की तरफ निकल जाते हैं। अब अगले दिन प्रीस हिक्स से कहता है कि यदि लूसी को वैम्पायर ने अपने जैसा बना दिया होगा तो मुझे उसे मजबूरन मारना ही होगा, जिसे सुनकर हिक्स कहता है कि मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन प्रीस उसकी बात को टालकर आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर सफर के बाद वो दोनों छत्ते के पास आ जाते हैं, जहां प्रीस हिक्स को बाहर ही रुककर खुद नीचे काफी गहराई में कूदकर आगे बढ़ने लगता है और वहीं ऊपर हिक्स छत्ता एक्सप्लोर करने लगता है। इधर प्रीस जब आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ एक प्रीस्टिस आ जाती है, जो उसे बताती कि तुम्हें पकड़ने के लिए गुरु ने चार प्रीस को तुम्हारे पीछे भेजा था, जिनमें से एक मैं हूँ, पर मैं उनसे अलग हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं बल्कि तुम्हारा साथ देने आई हूँ, क्योंकि गुरु ने मुझे प्रीस से हटाकर कचरा उठाने का काम दे दिया। और तभी इन दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी उन्हें हिक्स की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों तुरंत उसके पास जाते हैं, जहाँ उन्हें एक
बहुत ही विशाल वैम्पायर दिखाई देता है, जिसे देखते ही प्रिक्स हीक से कहता है कि ये छत्ते का रखवाला है और होल छोटा होने के कारण वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। आप प्रीस्टिस और प्रीस दोनों उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। प्रीस उस पर अपना ब्लेड फेंकता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता, जिसके बाद प्रीस अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। वहीं प्रीस्टिस हवा में दो पत्थरों को उड़ाती है, जिस पर पैर रखकर प्रीस्ट अपनी चाकू से उस वैम्पायर को काट डालता है, जिससे वो धाराशायी हो जाता है। पर वो फिर से उठकर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि समय रहते हिक्स उसे शूट करके मार डालता है। आप तीनों आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, जिसे देखते ही प्रीस्ट कहता है कि छत्ते की ये जगह नई बनी है, मानो ऐसा प्रतीत होता हो कि अब हजारों वैम्पायर्स आ चुके हो। इसलिए अब वो तीनों उस नए हिस्से से आगे बढ़कर छत्ते के बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक शहर दिखाई देता है, जिस पर फिर हिक्स कहता है कि ये जेरिको शहर है। वहीं जेरिको शहर में एक आदमी जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है, तभी वहां एक ट्रेन आकर रुकती है। पर जैसे ही वो इंसान ट्रेन के अंदर जाता है, वैम्पायर पकड़कर उसे मार देते हैं। अब देखते ही देखते सारे वैम्पायर्स जेरिको शहर पर हमला कर देते हैं, और इन सभी वैम्पायर्स को नियंत्रित करने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्लैक हैट है, जो खुद भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। और तभी ब्लैक हैट से लड़ने वहां तीन प्रीस्ट आते हैं, पर वो उन तीनों को मार डालता है। अब अगले दिन वो तीनों जेरिको शहर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। यहां तक कि वैम्पायर्स ने लोगों के शव तक को अपने साथ ले गए थे। फिर तभी प्रीस्ट को वो तीन प्रीस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्लैक हैट ने मारकर क्रूसीफाई कर दिया था। वहीं अब प्रीस्ट रेलवे ट्रैक्स देखकर कहता है कि शायद वो वैम्पायर्स किसी के नियंत्रण में है, जो सभी यहाँ ट्रेन से आए और ये ट्रैक सीधे मेरे शहर तक जाता है, इसलिए हमें कैसे भी करके इस ट्रेन को शहर तक पहुंचने से रोकना होगा, और शायद लूसी भी उसी ट्रेन में होगी। इसके बाद हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां लूसी को ब्लैक हैट ने बंदी बनाया होता है और वो उसे कुछ खाने के लिए देता है, पर लूसी मना करते हुए उसे अपनी सच्चाई बताने को कहती है, जिस पर वो अपनी टोपी हटा देता है, जहां उसकी सिर पर क्रॉस बना होता है। वो कहता है कि मैं भी एक प्रीस्ट रहा करता था, लेकिन शहर बनने के बाद मुझे पता चला कि इंसान तो वैम्पायर से भी ज्यादा बुरे हैं। प्रीस्ट ने दरअसल इंसानों को बचाया, लेकिन गुरु ने हमें ही चर्च से निकाल दिया, इसलिए मैं इसका बदला जरूर लेकर आऊंगा। इधर प्रीस्टिस प्रीस्ट को एक क्रॉस देकर कहती है कि हम भगवान पर भरोसा करके ही बहुत जल्द उन सारे वैम्पायर्स को मार देंगे। जिसके बाद वो तीनों अपनी अपनी बाइक से आगे बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें सामने से वैम्पायर्स की ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। पर तभी हिक्स प्रीस्ट पर गन तानकर कहता है कि यदि तुमने लूसी को कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर फिर प्रीस्टिस उससे रिवील करती है कि लूसी प्रीस्ट की ही बेटी है और शैनन प्रीस्ट की पत्नी, क्योंकि जब गुरु ने उसे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया तो उसने अपने पत्नी और बेटी को अपने भाई को सौंप दिया, ताकि कभी उन्हें अकेलापन महसूस ना हो और लूसी को कभी पिता की कमी महसूस ना हो, क्योंकि वो उस समय कुछ ही महीनों की थी। जो जानकर हिक्स गन नीचे कर लेता है, जिसके बाद तीनों उस ट्रेन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिस पर भी प्रीस्टिस से कहता है कि तुम ट्रेन के आगे जाकर ट्रैक में बॉम्ब लगा दो, इसलिए वो आगे निकल जाती है। वहीं हिक्स ट्रेन के अंदर चले जाता है, जहां उसे एक डब्बे में कई सारे कुकून दिखाई देते हैं, जिनमें वैम्पायर्स होते हैं। इधर प्रीस्टिस के पीछे कई सारे बाइकर्स पड़ जाते हैं, और वहीं प्रीस्टिस भी ट्रेन के ऊपर आ जाता है, जहां उसे ब्लैक हैट मिलता है, जिसे देख प्रीस्ट कहता है कि तुम तो मर चुके थे, जिस पर वो जवाब देता है कि वो वैम्पायर्स मुझे अपने साथ ले जाकर मारने ही वाले थे, पर तभी वैम्पायर्स की रानी ने मुझे अपना खून देकर नया जीवन दिया और मैं पहला इंसान वैम्पायर बन गया, और अब मैं पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैम्पायर बनकर मेरा साथ दो। लेकिन प्रीस्ट उसे मना कर देता है। इधर प्रीस्टिस ट्रैक पर बॉम्ब फिट कर देती है, और तभी वहाँ बाइकर्स आकर उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो अपनी बहादुरी का काफी अच्छे से प्रदर्शन करते हुए उन्हें मार गिराती है। पर दुर्भाग्य से बॉम्ब का ट्रिगर टूट जाता है, जिसे देख वो अब काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक हेड प्रीस्ट पर भारी पड़ने लगता है, और वो उसे पंच मारकर ट्रेन के नीचे गिरा देता है, लेकिन भाग्य से वो ट्रेन के
नीचे के हिस्से को पकड़कर बच जाता है। वहीं हिग्स जहाँ होता है वहाँ के सारे कुकून टूटकर उसमें से वैम्पायर सब निकलने लगते हैं, जिससे बचकर वो भागने लगता है। और तभी उसे लूसी दिखाई देती है, जिसे एक आदमी अपने साथ ले जाकर एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर तभी ट्रेन के नीचे से प्रीस्ट ऊपर आता है, लेकिन अब कई सारे वैम्पायर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए एक ट्रेन के छत पर शूट कर देता है, जिससे सूरज की रोशनी ट्रेन के अंदर आने लगती है, जिससे कई सारे वैम्पायर्स जलने लगते हैं। और अब प्रीस्ट और हिग्स दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां लूसी को उसी आदमी ने पकड़ कर रखा होता है। पर जैसे ही हिग्स उसे बचाने जाता है, तभी वहां ब्लैक हैट आ जाता है, जो हिग्स की तुरंत जान लेकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है और प्रीस्ट को भी मारकर घायल कर देता है। इसलिए अब लूसी एक लैंटर्न उठाकर उस आदमी को मारती है, जिससे उसके शरीर पर आग लग जाती है, जिसके बाद वो ब्लैक हेड पर चाकू से हमला करती है। लेकिन वो समय रहते उसे रोक कर कहता है कि बहादुरी में तुम बिल्कुल अपने पिता प्रीस पर गई हो, जिसे सुनकर वो एकदम दंग रह जाती है। वहीं वो कहता है कि पर मेरे सामने तुम्हारी बहादुरी काम नहीं आएगी, और ऐसा कहकर वो उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वो धाराशाही हो जाती है। जिसके बाद ब्लैक हेड प्रीस के कंधे में चाकू घुसाकर उसे लटका देता है और सारी जगह आग लगाकर लूसी के साथ ट्रेन के ऊपर आ जाता है। वहीं प्रीस को प्रीस्टिस का दिया हुआ क्रॉस दिखाई देता है, जिससे उसकी अब हिम्मत बढ़ जाती है, इसलिए अब वो अपने कंधे से चाकू निकालकर ट्रेन के ऊपर आ जाता है, जहां ब्लैक हेड लूसी को अपनी आंख से पोजेस करके उसके गले से खून पीने ही वाला होता है कि तभी प्रीस क्रॉस में लगे चाकू को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे क्रॉस उसके गले में घुस जाता है, जिससे लूसी उसकी पकड़ से छूट जाती है। और जैसे ही वो ट्रेन से गिरने वाली होती है, प्रीस्ट उसे समय रहते पकड़ लेता है, लेकिन तभी सामने से प्रीस्टिस अपनी बाइक पर बॉम्ब लगाकर ट्रेन के सामने आ जाती है, और फिर वो बाइक से कूदकर उसे ट्रेन से टकरा देती है, जिससे ट्रेन के साथ ट्रैक भी विस्फोट हो जाता है, जिससे सभी वैम्पायर्स और ब्लैक हेड मारे जाते हैं। लेकिन सही समय पर प्रीस लूसी के साथ ट्रेन से कूद जाता है, पर तभी वहाँ हिग्स भी बाइक पर सवार होकर आता है, जिसे देख लूसी एकदम खुश हो जाती है। वहीं अब प्रीस्टिस भी सामने आ रही होती है, जिसे देख प्रीस भी खुश हो जाता है। अब प्रीस्ट एक वैम्पायर का गला काटकर गुरु के पास लेकर आता है, जो सभी लोगों को बता रहा होता है कि हमें प्रीस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वैम्पायर नहीं बचा। लेकिन प्रीस सबके सामने वैम्पायर का कटा हुआ सर फेंक कर साबित करता है कि ऐसे ही हजारों वैम्पायर्स अब भी जीवित हैं, जिसे देख सभी दंग रह जाते हैं, जिसके बाद प्रीस वहां से चुपचाप चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है, जो आपको ऑनलाइन खरीदारी के लिए मुफ्त पैसे दे रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? कैश करो आपको मौजूदा बिक्री छूट के अलावा अतिरिक्त कैश भी दे रहे हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ कैश करो पर बस साइन अप करें या सीधे डाउनलोड करें और मेरे कोड Climax25 का उपयोग करें। इससे आपको दोनों तरह से 25 रुपए मिलते हैं। इसलिए आज ही फ्री कैशबैक के लिए कैश करो को डाउनलोड करके इस पर कम से कम एक खरीदारी तो जरूर करें। आइए हम सब साथ मिलकर नए साल का संकल्प करें और पैसे बचाएं। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।